विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि भाजपा और मोदी जी की पार्टी 1400 करोड़ रुपया राम मंदिर के नाम पर लूट कर रख लिया। मोदी जी 1400 करोड़ रुपया वापस करें। सही बात है। बोलने में क्या लगता मुंह है जो मन बोल दिए। जो वाराणसी से मोदी जी का इंटरव्यू देखे थे, मैं ट्रेन में थे इसलिए मैं नहीं। मोदी जी कह रहा है कि हम जो है राम मंदिर पर हिंदू मुस्लिम में वोट नहीं मांगते हैं। सही बात है, एकदम सही बात है। वो ऐसा पॉजिटिव आदमी देश में कहीं, वो भगवान है, मोदी जी भगवान है। हाँ भगवान है। आज हमारे देश में देखिए सुनिए, एकदम बता रहे भगवान है। राम मंदिर कह रहा है, सुनिए राम मंदिर बहुत बना ठीक है। सुनिए सुनिए सुनिए, राम को भी मंदिर का कार्य, सुनिए मंदिर का कार्य होता है जब पूरा होने के बाद उद्घाटन होता है। मंदिर राम मंदिर पूरा पूरा कार्य हो गए नहीं किया, पहले उद्घाटन किया। क्यों इसके मतलब रुके रुक हट जाए, कह रहा है कि आधा अधूरा में उद्घाटन कर दिया। जिनको जानकारी नहीं तो क्या बोलेंगे। यहाँ पूरा देश विदेश से आ रहा है लोग, अभी पर्यटक का देखिए, वहाँ लोगों का खाना पानी बढ़ गया है, वहाँ का पर्यटक इनकम रेवेन्यू बन गया है। बोलने से क्या है, बोल देंगे। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहे थे कि 14 चरण आ जाए थे मोदी जी रो देंगे, कल मोदी जी सच में रो दिया। सही बात है। नहीं नहीं कुछ नहीं, देखिए नहीं वोट नहीं देखिए नहीं बोलने का, सुनिए बोलने का उनका स्टाइल है, हर आदमी का बोलने का बोलने बोलने का स्टाइल। अब उसको नहीं अब हम ऐसे करे तो आप कहिए कि रोते हैं। आज हमारे देश इतना, हमारा देश विदेश में देखिए लोगों का परचम आगे बढ़ रहा है मोदी जी के कारण। भगवान है, आज नल जल मिला किन के कारण। का नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, राज्यसभा का मेंबर है, उसने कहा कि बीजेपी ने चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर भारत का कब्जा कर लिया। कोई कांग्रेस का नेता नहीं बोला है, बीजेपी का नेता है और राज्यसभा का मेंबर है सुब्रमण्यम स्वामी, उसने कहा कि 4000 वर्ग किलोमीटर चीन ने कब्जा कर लिया और विश्व में डंका बज रहा है। कौन डंका है, पता नहीं चल रहा है कहाँ डंका। और मजबूत था तो चीन कब्जा कैसे कर लिया। नेपाल कह रहा है कि जमीनवा मेरा है, नेपाल जिसको खाए का औकात नहीं है, पाकिस्तान जिसको खाए का औकात नहीं, वो हमसे आगे निकल गया। हमारा अधिकार कहाँ डंका बज रहा है। अरे कोई डंका नहीं, मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलना इसके बचपन से बीमारी है, दिन भर झूठ बोलता है। आँख दिखा रहा है, सब देश सुनिए सब देश में जा रहा है, मोदी जी को गले लगा सबसे आगे लीडर कर रहा है बीजेपी का, दूसरा पार्टी का नहीं है। अलांग फलंग मत बोलिए, सही है बात बोलिए भैया। तो आप बढ़ रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता और राज्यसभा के मेंबर सकता है मोदी जी। मोदी जी हमारे देश को आगे बढ़ा। हम बोलना चाहते हैं इन पर विकास के बात करिए, रोजगार के बात करिए, महंगाई के बात करिए, ये सब बात नहीं चलेगा यहाँ। अरे 10 सालों के पहले आप राम मंदिर गिनवाए हैं। हाँ राम मंदिर गिनवाए, आयुष्मान भारत किन का दिया हुआ है, मोदी जी का दिया हुआ है। अच्छा मेट्रो ट्रेन आ रहा है सब जगह, किसका दिया। वंदे भातरम, वंदे भारत मातरम किसका दिया हुआ है, मोदी जी का दिया हुआ है। वंदे मातरम जो ट्रेन चल रहा है किनका। हाँ आज घरे घर देखिए हर जगह रोड बना हुआ है, किनका बना हुआ है। पहले रोड था, चलिए तो मैं अपने स्टेशन पे उतरता था, एक समय था कि मैं अपना जाति नहीं बताता था, नहीं तो मैं बताता था अपना जाति तो दूसरा वाला जाके काट देता था। वो बताता था हमारा, वो जमाना था बिहार में। आज उन्हीं के कारण से अमन चैन है। मैं 12 बजे भी रात में उतरता छादीप सीना टार के चल जाता हूँ, कोई नहीं पूछता है। कितना भैया उम्र कितना है, छोड़िए हमारे अनुमान से 45 वर्ष ही करे, 30 वर्ष बड़े जंगल रहा था। जब जंगल रहा था तो बच कैसे गए, बच कैसे गए। ड्रामा बाज कर रहा है, दिन में झूठ झूठ सच कर रहे हैं, नाम उम नहीं बताया, चुपचाप चल रहे हैं। लोगों को काट देता हमारे बाबूजी कैसे बच गए, हमारे दादाजी कैसे बच गए, ड्रामाबाजी कर रहे हैं। अरे हक अधिकार की लड़ना जंगल राज था तो हमको जंगल राज पसंद है। हक अधिकार जेडीयू के नेता है सौरभ पटेल, नीतीश कुमार के काफी करीब थे, उनका दिन दहाड़े पुनपुन में हत्या कर दिया गया। कोई कुछ नहीं बोलता है, कोई कुछ नहीं। पटना में यहाँ डगमगला चौराहा पर 3 करोड़ का सोना लूट हो गया, जंगल राज नहीं है। नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में पत्रकार, अभी पत्रकार है बच के रहिएगा, पत्रकार पर गोली चला दिया, कोई जंगल राज नहीं है। और योगी जी का बात होता है, इलाहाबाद के कोर्ट में गोली चला दिया गया, कोई जंगल राज नहीं है। ड्रामा कर रहे हैं, आपके यहाँ तो अच्छा हमारा खराब, तो तुम करो तो लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, नहीं चलेगा। जब हमारा गलत है तो आपका भी गलत है। अरे जंगल राज नहीं है, जो गिनवा रहे हैं वो जंगल राज नहीं है, जो गिनवा रहे हैं। देखिए क्या है कि अगर 100% कोई है, 100% पे आ गए नहीं बैठा है। अरे मुजफ्फरपुर को भूल गया, बालिका गृह कांड, छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण हुआ और किया कौन, नीतीश सरकार में मंत्री, नीतीश सरकार में मंत्री की,
नीतीश सरकार के मंत्री उनके हस्बैंड ने बालिका गृह कांड का मास्टरमाइंड से। अरे बच्चे छोटे छोटे बच्चियों का रेप हो रहा है, ये जंगलराज नहीं है, ये जंगलराज नहीं है, ड्रामा बतिया रहे हैं। दिन दहाड़े पटना में लूट हो रहा है, जंगलराज नहीं है। पुनपुन में हत्या कर उनके पार्टी का नेता, अरे दूसरे पार्टी का तो छोड़ दीजिए, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को रक्षा नहीं कर पा रहे तो अब क्या बिहार का रक्षा कर पाइएगा। सौरभ उनके पार्टी के हमारे मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे, दुख होता है लेकिन दूसरी पार्टी में थे, लेकिन उनकी हत्या हो गई और नीतीश कुमार मुख्य दर्शन की बनकर देख रहे हैं। अरे देखिए ना भैया, सत्ता के लिए आप गुलामी कर सकते हैं, बिहार आपका गुलामी नहीं कर सकता है, आने वाले चुनावों को बता दिया जाएगा। देखिए परिवर्तन संसार करने में, यदि परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है तो मोदी का कार्य, मोदी जी का जो कार्यकाल 10 साल का है वो भी तो देखा जाएगा ना कि क्या उसने किया, कितना हमारे देश को दिया, कितने कन्ने गया, कौन बिल में कितना रुपया घुसा, उस सबका आंकड़ा तब लगेगा। अगर वही फिर प्रधानमंत्री बन जाएगा तो क्या किया उसका कोई हिसाब किताब मिलेगा? नहीं मिलेगा। मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा, देश का विकास कर रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मोदी के ऐसा 100 लौंडा तैयार है खड़ा है, आप ये बात कैसे बोल रहे हैं? मोदी के जैसा 100 लौंडा तैयार है खड़ा है, उससे बराबर दिमाग वाले माइडियर गठबंधन में कोई चेहरे नहीं है जी। कारण क्या? उसको ठप्पा लग गया, वो प्रधानमंत्री हो गया, उसको ठप्पा नहीं लगा, घूम बन के घूम रहा है। गठबंधन में भी ठप्पा लगना चाहिए ना? हाँ लगना चाहिए, एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है। देखिए देखिए एक महीना सब बनेगा, सब बनेगा, क्या नहीं बनेगा? समझ लड़ रहा है क्या? कार्यक्रम एक एक महीना सब रहेगा। मोदी जी तो 10 साल बन गया ना, महागठबंधन में चेहरा चल, महागठबंधन में एक एक साल सब रहेगा। अरे तय होगा ना, वो तय होगा ना, उसके लिए क्या बताइएगा? अरे फिर गुमराह करने वाली बात है, लड़का पते ना ब्याह करने जा रहा है, ऐसा ना सुन लो, बराती तो यार निकाल। मैं बताऊं अरे छोड़ यार, मानसिकता लेके आते हैं, जाइएगा शादी करने, वीडियो बनाइए, मेरे पास आए तो फिर मेरे को बोलने दो यार। देखो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा महागठबंधन में है ही नहीं। अरे ये सब तो गुमराह करने वाली बात है, पहले पार्टी तो जीते, अरे दूल्हा तो अभी सज के तैयार हो रहा है, पहले पार्टी तो जीते, उसके बाद देखिए। एक मिनट रुकिए, एक मिनट एक मिनट सुनिए सुनिए, हल्दी मेहंदी हो गया है, हल्दी मेहंदी हो गया है, अब पते नहीं कहां से आते हैं चमचे की। दूल्हा बनने का रिचार्ज पार्टी जीतेगी तब तो, पार्टी को पहले जीतने दीजिए। इलेक्शन चार चरण का इलेक्शन खत्म हो गया, पार्टी अब इनका सिलेक्ट कर रहे हैं, बताइए कहां से भैया? 2 जून को मेरे आप किसको दूल्हा बनाएंगे? क्या ककरा कर रहे हैं? देखिए आप किसको दूल्हा बनाएंगे? क्या आप किसको दूल्हा बनाएंगे? क्या बोल रहे जोर से? आप किसको दूल्हा बनाना चाहते हैं? मोदी जी को बनाना चाहते, सब बना लिया, मोदी बना हुआ, हम बनाना चाहेंगे, दूल्हा तैयार है, इकरा जहन सरबानी तैयार है। कह रहा लो विपक्ष लोग कह रहा है लो कि ढार के डर से मोदी जी अल बल बयान दे रहे हैं। उड्डार्स कौन ब्याह रहा है आप ही समझ। एक मिनट, बीते 10 वर्षों में मोदी जी ने क्या काम किए वो बताओ पहले। मैंने कह रहा की मोदी जी अल बल बयान दे रहा है, जवाब दो पहले, जवाब दो। अल बल कह रहा की बयान दे रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कहाँ हिंदू मुस्लिम हो गया, कहाँ हिंदू मुस्लिम हो गया, बताइए कहाँ हिंदू मुस्लिम है? की अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर राम मंदिर में बाबरी खाना लग जाएगा। लोगों का कहना है की मोदी जी रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं और मोदी जी खाली झूठे वादे कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है की मोदी ही आएंगे, बाकी इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज, और मैं साहब राज, बहुत बहुत धन्यवाद।